राजनीति में आज सबसे पहले बात करेंगे प्रदेश की उस गतिविधि की जो आगामी चुनावों के लिए एनएलडी के लिए बेहद खास है। हरियाणा भर में आज कई जगहों पर बाजारों में शटर गिरे नजर आए। अधिकतर जगह ऐसी भी थी जहां पर दिन चढ़ते चढ़ते व्यापारियों ने बाजारों में दुकानें खोल भी दी, यानी इनेलो के बंद की कॉल जो थी वो पूरी तरह सफल होती हुई नजर आई। ऐसा कहना पूरी तरह लेकिन ठीक नहीं होगा। वैसे राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं हैं उनके मुताबिक ये बंद चुनावों के लिए हवा तैयार करने की कोशिश मात्र थी। कांग्रेस ने इस इनेलो की नौटंकी तक करार दे डाला। इनेलो के इस हरियाणा बंद पर विरोधी नेताओं के मुंह किस किस तरह खुले, आईएएस रिपोर्ट के जरिए देखिए। भाजपा सरकार मुर्दाबाद। हरियाणा में चुनावों की नजदीकी ने यहां के सियासी माहौल को सुर्ख कर दिया है। विपक्षी दल पूरे फॉर्म में नजर आने लगे हैं। सूबे के मुख्य विपक्षी दल इनेलो ने हरियाणा बंद की जो कॉल दी थी, शनिवार को उसका मिला जुला असर देखने को मिला। इनेलो और बसपा के कार्यकर्ता प्रदेश भर में हरियाणा बंद को असरदायक बनाने की कोशिश करते देखे गए। अलग अलग जिलों में जगह जगह पर इनेलो बसपा कार्यकर्ताओं की टोलियां बाजारों में नारेबाजी करती और दुकानदारों से दुकानें बंद करने की अपील करते देखी गई। हरियाणा बंद का असर प्रदेश में पूरी तरह सफल हुआ ऐसा कहना शायद बेईमानी होगा, क्योंकि अधिकतर जगहों पर इनेलो कार्यकर्ताओं के निकलने के बाद बाजारों में अधिकतर दुकानें खुलती देखी गई। हालांकि इनेलो प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने बंद को अपनी ओर से सफल बताते हुए व्यापारियों का आभार भी जता दिया। सरकार ने डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाकर महंगाई को बढ़ावा दिया, बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति, बहुत हालात खराब है। आज प्रदेश के लोगों ने ये बात साबित कर दी, खासतौर पर व्यापारी भाइयों ने, कि वो इस सरकार से कितना तंग है। इस सरकार को चाहिए कि वो प्रयास करके एसवाईएल का पानी लाए और डीजल और पेट्रोल के रेट कम करे। इस बंद के मार्फत मुख्य विपक्षी दल इनेलो सूबे के बदहाल हाल की तस्वीर उजागर कर लोगों को आंदोलित करने की कोशिशों में जुटी दिखाई दी। हरियाणा बंद की जो कॉल शुरू शुरू में एसवाईएल के मुद्दे तक सीमित थी, उसमें धीरे धीरे महंगाई, जीएसटी, किसान, मजदूर, दादूपुर नलवी नहर जैसे मुद्दे भी शामिल हो गए। इनेलो के इस बंद के आह्वान पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने इसे मुद्दा विहीन विपक्ष की झल्लाहट का नतीजा बताया। होते हैं तो इस प्रकार की हरकतें करने के लिए कुछ विपक्षी पार्टियां जो काम करती हैं उसका कोई अर्थ नहीं है, और जनता अब समझ चुकी है कि आज कोई भी विपक्षी दल के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई उनका भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए बंद का आह्वान जब करते हैं, आज जैसा देखा कि इनेलो के बंद में सर्वत्र फेल है, कहीं कोई उनको मिला नहीं है।